Now next C program is case में just perform करें how to converting any hexadecimal number into equivalent octal representation. Means hexadecimal means available format क्या आपके पास just base 16. We are having some hexadecimal number in the form of base 16. इसको convert किस format में कराना है into equivalent base 8. जब आप base 16 को base 8 में convert करोगे तो इस केस में जनरली आपके लिए डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा प्रोग्रामेटिकली. तो प्रोग्रामेटिकली सबसे पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कराएंगे, देन डेसिमल को अगेन ऑक्टल में. इसके समय दोनों ही कन्वर्जन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले आप परफॉर्म क्या कराओगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, देन आपका जो भी डेसिमल रिजल्ट आए देन डेसिमल को अगेन फर्दर किस में कन्वर्ट कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल. जस्ट इस केस में कन्वर्जन कैसा होगा, टू स्टेप कन्वर्जन. टू स्टेप मीन्स फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या हुआ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, नेक्स्ट वन डेसिमल टू ऑक्टल. क्लियर. इस जस्ट इसके प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्टिंग एनी हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल. क्लियर. सिमिलरली प्रीवियस सेशन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हाउ टू कन्वर्टिंग डेसिमल टू ऑक्टल. तो दोनों ही कॉम्बिनेशन को जस्ट आपको क्लब करना है, कंबाइन करना है, फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड ऑपरेशन अवेलेबल होंगे. तो सबसे पहले मैं परफॉर्म कराना हाउ टू कन्वर्टिंग एनी हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. इस केस में हेक्साडेसिमल के केस में इनपुट सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सिमिलरली ऑक्टल में जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट को भी स्टोर कराऊंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. लेकिन जो डेसिमल होगा डेसिमल को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. फाइनली इस केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, कैर स्टार, क्योंकि रिटर्न क्या हुआ, ऑक्टल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एरे. सेम है इनपुट के रिस्पेक्ट में बात करें, फंक्शन नेम क्या है इस केस में, हेक्स टू ऑक्ट. आर्गुमेंट में सप्लाई क्या करेंगे, ऑल्सो कैरेक्टर एरे. इस कैरेक्टर एरे के अंदर डिजिट्स किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल. इसलिए मैं एरे का पॉइंटर का नेम यूज कर रहा हूँ जस्ट एच. तो फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड क्या है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर आपने एंटर किया है लाइक दैट, सिंपल स्मॉलेस्ट नंबर यूज करो जिससे ऑपरेशन ईजिली फिनिश करना पॉसिबल. वन एफ, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, इंडेक्स 0, 1, 2, फाउंड क्या हो रहा समथिंग नल एंड सो ऑन. क्लियर लाइक दैट. इस केस में जस्ट सबसे पहले इसको स्टोर किस में कराओगे, डेसिमल में. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट रिक्वायर्ड क्या होगा, वेरिएबल डी प्लस बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे. तो हेक्सा डेसिमल के सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई किससे होंगे, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, लाइक दैट. मीन 16 के पावर के फॉर्म में. तो पावर को मैनेज करने के लिए क्रिएट करेंगे वेरिएबल पी प्लस एरे के एलिमेंट को इंडेक्स वाइज रीड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, इटरेटिव वेरिएबल आई और इंडेक्स वेरिएबल आई. फाइनली थ्री वेरिएबल्स क्रिएट करने की नीड होगी. फाइनली जब आपके पास डेसिमल में सबसे पहले परफॉर्म किया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, देन डेसिमल नंबर को अगेन ऑक्टल में कन्वर्ट कराने के लिए ऑक्टल रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में. ऑक्टल के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक और एरे रिक्वायर्ड होगा, ऑक्टल एरे ओ. क्लियर. इनिशियली अभी इस प्लेस पर कोई वैल्यूज आने की इंडेक्सिंग आर, दिस इज ओ 0, 1, 2, 3, 4, 5. फाइनली से रिटर्न क्या हुआ, ऑक्टल एरे. तो सब में से स्टेप वाइज कन्वर्जन प्रोवाइड करो. सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. तो डेसिमल के रिस्पेक्ट में डी का इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करोगे, जस्ट 0. पावर, पावर के केस में इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, फर्स्ट टाइम 16 टू द पावर 0. फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड केस क्या, 16 टू द पावर 0, नेक्स्ट टाइम 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2 एंड सो ऑन. 16 टू द पावर 0 इज नथिंग बट सिंपली 1, इसलिए मैंने डायरेक्टली पी को किससे आसान किया, 1 से. नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 16 से. तो आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट रिजल्ट है 16. नेक्स्ट टाइम 16 को अगेन 16 से मल्टीप्लाई करें, देन रिजल्ट क्या मिलेगा, 256 एंड सो ऑन. क्लियर लाइक दैट. आई के केस में फर्मिस, इस केस में जस्ट जब कन्वर्जन परफॉर्म करें तो एरे राइट टू लेफ्ट विजिट होगा. राइट टू लेफ्ट के केस में राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1, विच इज नथिंग बट लेंथ माइनस 1. लेंथ क्या है इसका, 2, 2 माइनस 1 इज 1. तो आई में क्या आसान हो जाएगा, 1. इस केस में जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे, स्टैटिक एरे, स्टैटिक कैर एरे नेम एज ओ विद साइज समथिंग 20. सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू कैसा हो जाएगा, इस प्लेस पर आएगा 0, 0, 0, 0 इज नथिंग बट विच इज नल कैरेक्टर इन ऑल प्लेसेस. नेक्स्ट टाइम इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, आई पी एंड डी. फोर लूप, फोर लूप के केस में जस्ट लूप किस प्लेस स्टार्ट होगा, फ्रॉम
लेंथ माइनस वन, तो आई में क्या स्टोर कराएंगे, लेंथ ऑफ हेक्साडेसिमल एरे, एस टी आर एल ई एन, लेंथ ऑफ हेक्साडेसिमल एरे एच, क्लियर, माइनस वन, तो लेंथ क्या है केस में एरे का, टू, टू माइनस वन इज वन, तो इसलिए आई में कैसा हो जाएगा, जस्ट वन। पी के केस में डायरेक्टली कैसा कराओ, पी मीन्स पी में रिक्वायर्ड क्या है, 16 टू द पावर 0 विच इज 1, तो डायरेक्टली कैसा कराएं इस केस में 1। देन कंट्रोल कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 की इक्वल मीन्स फाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी 0। नेक्स्ट वन, आई डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा, इसलिए परफॉर्म क्या कराएंगे, आई माइनस माइनस पी के केस में फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू बने, नेक्स्ट टाइम पी के एग्जिस्टिंग वैल्यू में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 16 से, अगेन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 16 से, तो इसलिए यूज क्या करोगे, पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 16, क्लियर। देन लूप के अंदर जस्ट राइट डाउन क्या कराएंगे, रिजल्ट में मीन्स रिजल्ट केस में कन्वर्ट कराओ डी के फॉर्म में, तो डी के फॉर्म में मैंने प्रीवियस केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हेक्साडेसिमल में टू लेवल के डिजिट्स पॉसिबल हैं, आइदर 0 टू 9 कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं सारे के अंदर, 0 टू 9 और ए टू एफ, तो दोनों केस में जस्ट इन कैरेक्टर्स को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लॉजिक दोनों केस में कैसे, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट। फर्स्ट केस में अगर 0 टू 9 के केस में डिजिट्स को और कैरेक्टर में कन्वर्ट कराना है, तो उस केस में कन्वर्जन लॉजिक्स क्या है, एच ऑफ आई, आई मीन्स एनी एलिमेंट माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0, लेकिन इस केस में अगर आपको डिजिट्स को कन्वर्ट कराना है, तो उस केस में लॉजिक क्या है, जस्ट एच ऑफ आई माइनस 55, क्योंकि एच ऑफ आई में अगर आपने जस्ट ए स्टोर कराया, तो ए के प्लेस पर एक्सपेक्टेड क्या है, 10, इंटीजर 10, बी के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इंटीजर 11, तो ए के केस में अगर एच ऑफ आई का वैल्यू अगर ए है, ए में सबट्रैक्ट क्या हुआ, 55, और ए का आस्की वैल्यू क्या होता है, 65, 65 माइनस 55 डिफरेंस क्या आएगा, 10, क्लियर। सिमिलरली अगर इस प्लेस पर मैंने बी यूज किया, बी के प्लेस पर क्या है, 66 माइनस 55 रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 11। देयरफॉर वी आर यूजिंग दिस टू कंडीशंस, मीन्स इन कंडीशंस के बेसिस पर जस्ट परफॉर्म कराएंगे, उस केस में जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे, कंडीशन इज, कंडीशन में चेक कर लेंगे डिजिट्स, चेक द गिवन कैरेक्टर डिजिट और नॉट, अगर एच ऑफ आई के अंदर डिजिट स्टोर है, देन इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आस्की वैल्यू ऑफ एच ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन आस्की वैल्यू ऑफ एच ऑफ आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू आस्की वैल्यू ऑफ 9, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या, एच ऑफ आई क्या रेफर कर रहा है, डिजिट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, देन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, समथिंग अल्फाबेट्स बिटवीन ए टू एफ, तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराएं, डी इक्वल टू, डी मीन्स डेसिमल, डी इक्वल टू डी प्लस एच ऑफ आई, एच ऑफ आई मीन्स डिजिट कैरेक्टर्स के फॉर्म में, इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्या करोगे, सबट्रैक्शन फ्रॉम 0 मल्टीप्लाई बाई पावर पी। दूसरा केस क्या है, एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के केस में ये इनपुट क्या है, सम अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के केस में दूसरा केस क्या होता है, अल्फाबेट के केस में सबट्रैक्ट क्या कराएंगे, डायरेक्टली 55, डी प्लस एच ऑफ आई माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई अगेन पी, तो इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के थ्रू जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, देन आप कैलकुलेट क्या कर चुके हुए, कंप्लीटली हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, चेक इट, स्टार्टिंग से परफॉर्म करा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई में क्या समझ चुका है, लेंथ माइनस वन विच इज वन, तो आई करेंटली किस एलिमेंट को रेफर कर रहा है, जस्ट एफ, क्योंकि इसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, नल। देन कंडीशन टेस्ट करो, एफ का आस्की वैल्यू 0 से बड़ा है, ट्रू, लेकिन एफ का आस्की वैल्यू 9 से छोटा है क्या, नहीं, क्योंकि एफ का आस्की वैल्यू क्या है, 70, और 9 का आस्की वैल्यू क्या है, 57, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो एल्स पार्ट में जस्ट सॉल्व किया हुआ, डी प्लस डी का वैल्यू क्या है, 0, एच ऑफ आई में क्या है, जस्ट एफ माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या है, 1, एफ का आस्की वैल्यू क्या है, जस्ट 70, 70 माइनस 55 इज नथिंग बट 15 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0, रिजल्ट क्या आएगा, 15, 15 आसान किस में हो जाएगा, जस्ट डी, तो डी का वैल्यू क्या है इस केस में, 15। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में परफॉर्म किया हुआ, आई माइनस माइनस आई बिकम्स 0, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट 0, तो आई इसके प्रीवियस एलिमेंट को रेफर करेगा, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, सेम एज पी के रिस्पेक्ट में क्या, पी मल्टीप्लाई बाई 16, पी का एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 था, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। अगेन फिर से परफॉर्म किया कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के इसमें अगेन चांस किसको मिलेगा, बॉडी, बॉडी में अगेन टेस्ट करेंगे, एच ऑफ आई के अंदर अगर डिजिट है तो कंडीशन ट्रू, अगर अदरवाइज फॉल्स, तो एच ऑफ आई में करंटली क्या है, 1, 1 क्या है, डिजिट, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो इस केस में जस्ट इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कराएंगे, डी इक्वल टू डी प्लस डी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है करंटली 15 प्लस एच ऑफ आई का करंट वैल्यू क्या है, कैरेक्टर 1 माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0
मल्टीप्लाई बाई पी। सब्ट्रैक्शन का मेन पर्पज क्या है, कैरेक्टर्स को डिजिट्स में कन्वर्ट कराना और हेक्साडेसिमल डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन 15 प्लस 1, इन दोनों डिफरेंस कितने का आएगा 1 का, मल्टीप्लाई बाई पी। पी का आज की वैल्यू क्या करंटली, सॉरी पी का वैल्यू क्या करंटली 16, विच इज नथिंग बट 16 टू द पावर 0। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा 31। तो 31 फाइनली आसानी किस में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ डी। तो डी का नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा 31। देन अगेन परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस एंड पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 1। तो आई माइनस माइनस होगा तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी माइनस 1, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 256 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 16। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है। चेक करो इससे जस्ट पहले जो भी इसका डेसिमल नंबर था 31 अवेलेबल किस फॉर्म में, वेरिएबल डी। अब इसे डेसिमल को मिसा आपके पास अभी जस्ट परफॉर्म क्या हो चुका है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट। अब डेसिमल को अगेन कन्वर्ट किसमें कराना है, ऑक्टल में। रिजल्ट किसमें आसान कराओगे, ऑक्टल एरे के अंदर। तो ऑक्टल एरे में जो भी रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट किस टाइप से करेंगे, लाइक दैट। सबसे पहले जो भी 31 है नॉर्मल वे में अगर बात करें, नॉर्मल मीन्स फाइनली इस टाइप के कन्वर्जन परफॉर्म करने के बाद करेंटली डी का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ डी इज 31 एंड वैल्यू ऑफ आई एंड सम अदर वेरिएबल्स। डी का करेंटली वैल्यू क्या था 31। डी के केस में जब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कराओ तो जनरल वे में ऑक्टल कन्वर्जन किस टाइप से प्रोवाइड करेंगे, 31 किस में स्टोर करंटली डी में, डिवाइड किस से कराओगे 8 से। तो 8 से डिवाइड करने पर 2 रिजल्ट जनरेट होंगे, रिमाइंडर और डिवीजन। तो 8 से जब डिवाइड करें तो इस केस में डिवीजन क्या आएगा 3 और रिमाइंडर क्या आएगा जस्ट 7, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो फाइनली इस केस में फर्स्ट टाइम क्या आया था 7, नेक्स्ट टाइम 3, क्लियर। तो इस टाइप से जब ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे तो क्या आएगा 37 और 37 किस फॉर्म में बेस 8, दिस इज द इक्वल रिजल्ट। तो इस केस में जस्ट सेम ऑपरेशन लॉजिकली सोर्स कोड के फॉर्म में किस टाइप से राइट डाउन कराएंगे, ये सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर है डी, डी के केस में फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या था 31, नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू क्या होगा 3, नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा 0। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कब तक परफॉर्म करा रहे हैं, जब तक डी का वैल्यू 0 से बड़ा है। प्रीवियस केस में 31 0 से बड़ा था, 3 0 से बड़ा था, लेकिन 0 0 से बड़ा है क्या, फॉल्स। तो इस केस में ऑपरेशन स्टॉप करा हुआ, क्लियर। रिमाइंडर क्या आया था फर्स्ट टाइम 7, तो रिमाइंडर 7 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कराने के बाद आसानी किसमें कराओगे, एरे में, या कैरेक्टर में कन्वर्जन रिक्वायर्ड बिकॉज क्योंकि इसे एरे का टाइप क्या, कैरेक्टर एरे। तो इस केस में जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट रिमाइंडर आसानी किसमें होगा 0 इंडेक्स में, तो इसलिए आई में क्या आसान कराएंगे 0 बाई यूजिंग लूप, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0। जनरली ये कन्वर्जन में आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, हाउ टू कन्वर्टिंग एनी डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल। तो सेम लॉजिक्स रिपीट होंगे इस केस में, ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना, जब तक डेसिमल नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा है। एवरी टाइम आई में परफॉर्म क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, आई माइनस माइनस। वन मोर केस, जो भी डी है, डी के केस में जो भी इसका डिवीजन आएगा, डिवीजन किस में सेंड कराएंगे, ऑक्टल एरे में। ऑक्टल एरे के अंदर किस इंडेक्स में सेंड हुआ, ओ ऑफ आई इंडेक्स, फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्या 0, ओ ऑफ आई इक्वल्स टू जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, डी मॉड्यूलो बाई ऑक्टल की केस में बेस क्या है 8, तो इसलिए डिवाइड कैसे कराया, डिवीजन कैसे हुआ था 8 से, 8 से डिवाइड करने पर डी का वैल्यू क्या करंटली 31, रिमाइंडर क्या आएगा 7, लेकिन 7 को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस रिमाइंडर को ऐड कैसे करा देंगे, आज की वैल्यू ऑफ 0। तो इस केस में जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट को ऐड कैसे कराओ, आज की वैल्यू ऑफ 0, चेक इट। फर्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या था 31, 31 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया 7, 7 प्लस आज के लिए ऑफ 0 इज 48, 48 प्लस 7 क्या आएगा इस केस में जस्ट 55, 55 नथिंग बट इट इज आज की वैल्यू ऑफ 7, क्लियर। फाइनली ये कन्वर्जन कन्वर्ट किस में जाएगा 7 में, इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या 7, 7 का साइन होगा ओ ऑफ आई का वैल्यू क्या करंटली 0, तो 0 इंडेक्स में कॉपी किया जाएगा ऑक्टल एरे में 7 इज दैट प्लेस, क्लियर। इसके जस्ट बाद मीन्स रिमाइंडर तो कैप्चर कर लिया, लेकिन अभी कहीं आपने डिवीजन आसान किया क्या, नहीं, डिवीजन किस में आसान कराना है, अगेन डी में। तो नेक्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, तो इस प्लेस पर जस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में, आई में क्या हुआ डिक्रीमेंट और डी के लिए परफॉर्म क्या हुआ डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 8, क्लियर। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, तो आई माइनस माइनस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी
यहाँ आई प्लस प्लस आएगा, नॉट अ माइनस माइनस, क्योंकि एरे डिक्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। डी का करंट वैल्यू क्या है, डी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई 8। डी वैल्यू क्या है इसके, इसमें 31 डिवाइड किससे करा, 8 से। डिवीजन कितनी बार हो रहा, 3 टाइम। इंटीरियर डिवीजन में क्या आएगा, 3। आसानी किसमें जाएगा, डी में। तो डी का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा इसके, इसमें जस्ट 3। क्लियर, 3 होने के जस्ट बाद अगेन चेक करें कंडीशन, 3 ग्रेटर देन 0, तो अगेन बॉडी एग्जीक्यूट, बॉडी के अंदर अगेन ओ ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 1, डी का वैल्यू क्या 3, 3 मॉड्यूलो बाई 8 प्लस 0। 0 से एडिशन कराने का पर्पज क्या है, जस्ट गिवन डिजिट को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना, नथिंग एल्स। 3 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 3। 3 का आस्की वैल्यू 8 किससे हो जाएगा, 0 के आस्की वैल्यू से। तो फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा, कैरेक्टर 3, और 3 आसानी किस में हो जाएगा, इंडेक्स 1 में। तो स्पेस पर क्या आएगा, 3। मीन्स आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या आया था, जस्ट 31। ओरिजिनल नंबर क्या था, 31। 31 को 8 से डिवाइड करने पर जस्ट रिजल्ट क्या है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में रिजल्ट क्या आएगा, 37। लेकिन ऑक्टल एरे में स्टोर क्या, 37 और 73। तो इस केस में पहले तो इस केस में जस्ट बात करें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और डी के केस में 3 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन क्या आएगा, 0। तो डी का वैल्यू 0 हो चुका है, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल का आएगा आउटसाइड लूप, लूप के बाहर आने के इसमें जस्ट इस एरे को और स्ट्रिंग को टर्मिनेट किससे कराओगे, नल से। और नल किस इंडेक्स में साइन कराना है, 2। 2 किसके पास है, आई के पास। आई का वैल्यू क्या करंटली, 2। तो नेक्स्ट टाइम लूप से जस्ट बार परफॉर्म क्या कराएंगे, ऑक्टल एरे ऑफ आई इक्वल्स टू नल और 0। देन इसके जस्ट बाद रिक्वायर्ड क्या है, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन, क्योंकि इसको रिवर्स करना, रिवर्स करोगे तो इस केस में क्या जाएगा, 37। तो रिवर्स के केस में आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इस केस में स्ट्रिंग और एरे को रिवर्स कराने के लिए यूज क्या करेंगे, strrevी सप्लाई क्या करोगे, एरे नेम ऑक्टल एरे ओ। देन फाइनली रिटर्न क्या कराएंगे इस प्लेस से, रिजल्टेंट एरे ओ। इस ओ का एड्रेस रिटर्न होने से पहले जस्ट इसके एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे, 3 एंड 7। फाइनली ऑक्टल कन्वर्जन अवेलेबल किस फॉर्म में, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। देन फाइनली लॉजिक से कंप्लीट हो चुके हैं, परफॉर्म क्या करना है, इक्विवेलेंट मेन फंक्शन और मेन प्रोग्राम। तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, सेम एज प्रीवियस केस। सिंपली आपको 2 एरे डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होंगे, वॉइड मेन, 1 एरे 1 पॉइंटर। फर्स्ट हेक्साडेसिमल को कीवर्ड से रीड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या करेंगे, डिक्लेयर क्या करो, कैरेक्टर एरे एच विद मैक्सिमम साइज समथिंग 20 और वाट एवर। नेक्स्ट वन इसके साथ साथ इससे रिटर्न क्या होगा, पॉइंटर, कैरेक्टर एरे का पॉइंटर, ऑक्टल एरे का पॉइंटर आएगा। तो इसके इसमें स्टोर केस में करा हुआ ऑक्टल पॉइंटर ओ। देन इनपुट्स को रीड करने के लिए इनपुट्स किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हो, स्कैन एफ। अगर आपको वैलिडेशन से अप्लाई करना है यूज क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन 0 to 9 एंड ए टू एफ क्लोज एस। देन सप्लाई क्या करोगे, एड्रेस ऑफ एच। देन कॉल क्या करा लेंगे, गिवन फंक्शन हेक्साडेसिमल टू ऑक्ट, ओ इक्वल्स टू हेक्स टू ऑक्ट। असाइन क्या कराएंगे, हेक्साडेसिमल एरे एच। देन रिजल्ट ओ में असाइन हो जाए, देन इसको सिंपली पुट्स फंक्शन ऑफ प्रिंट एप के थ्रू सिंपली डायरेक्टली डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। इससे गिवन यूनिफाइड फंक्शन के थ्रू किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है।